Hi दोस्तों, how are you? I hope you are well. आप तो खुश ही रहे होगे ना, दुख किस बात क्या है? Guys, आज अपन इंग्लिश का लेक्चर लेने वाले हैं. Whom and whose, ये दो वर्ड्स का डिफरेंट देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, इसका यूज कैसे किए जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आज अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं. तो वेलकम बैक टू माय कोचिंग बाय माय शिकाकर सर. इस चैनल में आप सभी का स्वागत है. चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑप्शन चूज करो, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की घंटी बज जाए और आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल जाए. इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है. तो दोस्तों, हुम और हुज. हुम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किसको. उसका मतलब भी किसका, किसके, किसके, उसको. लेकिन जब व्यक्ति की बात आती है, जब किसी और देखा जाए तो दोनों WH वर्ड के WH वर्ड है. ये दोनों WH वर्ड है, इसीलिए इस टॉपिक पे WH वर्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं. सब एग्जांपल में क्वेश्चन ही है, क्योंकि दो WH वर्ड है, इसलिए WH वर्ड क्वेश्चन बनाए गए बन गए हैं. ठीक है. हुम का यूज तब होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाए, तब हुम का यूज किया जाता है. और हुज का यूज तब किया जाता है कि किसी के रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में, रिलेशन, नाता, उसके बारे में जब बात की जाए तब हुज का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन चाहिए, who do you want, आपको कौन चाहिए. इसमें आपको कौन चाहिए मतलब इसमें व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति की, इसलिए whom का यूज किया. नेक्स्ट, आप किसकी राह देख रहे हो. whom are you waiting for, इसमें भी किसकी राह मतलब किसकी, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में बोल रहे, इसलिए whom का यूज किया गया. उसे कौन चाहिए, whom does he want, उसे कौन चाहिए मतलब कौन चाहिए, ये भी तो एक पर्सन ही हुआ, व्यक्ति हुआ, इसीलिए इसमें भी whom का यूज किया गया. आप किसको पसंद करते हो, whom do you like, इसमें भी आप पसंद करोगे, किसको पसंद करते हो मतलब इसमें भी व्यक्ति आ रहा, पर्सन ही आ रहा है, इसीलिए whom का यूज किया गया. whose में देखा जाए तो ये संबंध सूचक है, रिलेशन जो रहते हैं ना, रिलेशन के बारे में जब बोला जाए तब whose का यूज करते हैं. जैसे कि तुम किसके दोस्त हो मतलब किसके, मतलब इसमें रिलेशन बता रहा है. सब कुछ तुम किसके दोस्त हो मतलब मैं फलाने फलाने का दोस्त हूँ, मतलब तेरा और उसका रिलेशन बता रहे हो. कौन सा रिलेशन, दोस्त का रिलेशन, ये रिलेशन ही तो बता रहे, इसलिए whose का यूज किया. किसके हो, इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए whose का यूज किया. इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए whom का यूज किया. वह किसका लड़का है मतलब लड़का ये किसका है, इसमें भी रिलेशन आ रहा कि वो लड़का किसका है, मतलब उस लड़के का रिलेशन किसके साथ है, इसीलिए हुज का यूज किया गया. उसी तरह पूजा किसकी दोस्त है, पूजा हुज फ्रेंड इज पूजा, मतलब पूजा भी, पूजा दोस्त तो है लेकिन किसकी है, मतलब पूजा का और उसका जो भी कुछ है वो रिलेशन है, दोस्त का रिलेशन है, फ्रेंड का रिलेशन है, लेकिन किसकी दोस्त है वो किसकी के लिए whose का यूज किया गया. उसी तरह यह घर किसका है मतलब इस घर का मालिक कौन है, उसीलिए मतलब उस घर का रिलेशन और जिसका घर है उसका रिलेशन जो है वो कौन सा है, मालिक का ही होगा, इसलिए पूछ रहे कि यह घर किसका है, मतलब इस घर का मालिक कौन है, इसलिए बोल रहा है whose house is this. इस तरह का whom और whose का यूज था. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों.
और सब बढ़िया रहे, मस्त रहे। वीडियो को शेयर करो। नमस्कार।